It is a very simple question now. Try. Okay, in this question, you have to find the value of x. So, what is given to you? y upon x is given to you.

ठीक है एक्स टू जेड विल भी वन इज टू फाइव ओके सो ना हो क्योंकि अगर आप इन दोनों को मर्ज करोगे सी ठीक है मैंने आपको मर्ज करना बताया है तो यहां पर यू विल फाइंड की जो वाई इज टू एक्स क्योंकि जो कॉमन है वो सेम है वाई एक्स टू एक्स इज टू जेड विल भी नथिंग बट सिक्स इज टू वन इज टू फाइव ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है सिक्स ए कोई भी लेट्स टे कॉमन मल्टीपल x की वैल्यू कितनी है a और z की वैल्यू कितनी है फाइव ए ठीक है और ये तीनों एंगल्स हैं x y z तीनों एंगल्स हैं ओके और एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन इज़ ऑलवेज़ वन एटी डिग्री तो अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड करोगे यूल गेट वन एटी डिग्री ठीक है मैंने क्या करा मैंने दो रेशियोज़ को पहले मर्ज करा मैंने इस तरीके के क्वेश्चन आपको कराए ना एज टू बी अगर फोर इस टू फाइव दिया है और बी इस टू सी अगर आपको सिक्स इज टू सेवन दिया है सो फाइंड ए इज़ टू बी एज टू सी मैं बच्चों से कहता था जो कॉमन है उसको आप सेम uh, बनाने की कोशिश करो यहाँ पर जो कॉमन है यहाँ पर एक्स एक्स कॉमन है वो ऑलरेडी सेम है ठीक है फर्स्ट वाले रेशियो का एक्स इज़ वन सेकेंड वाले रेशियो का एक्स इज वन तो आप डायरेक्टली इसको मर्ज कर सकते हो तो मैंने वाई इस टू तो, एक्स तो, तो, इस टू जेड को डायरेक्टली मर्ज कर लिया सिक्स इस टू वन इज टू फाइव ओके okay? और मर्ज करने के बाद आई हैव टेकन कॉमन मल्टीपल ठीक है रेशियो के क्वेश्चन को वैल्यू बनाने के बनाने के लिए हम क्या करते हैं वी टेक कॉमन मल्टीपल सो लेट्स लेट्स टेक कॉमन मल्टीपल ठीक है तो मैंने यहां पर कॉमन मल्टीपल लिया ए आई हैव टेकन ए कॉमन मल्टीपल तो आप इसको ऐड करोगे दिस विल बी हाउ मच दिस विल बी ट्वेल्व ए सबको ऐड करोगे इज इक्वल टू वन तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिग्री, ठीक है? विल बी हाउ मच फिफ्टीन ए की वैल्यू फिफ्टीन डिग्री नहीं ए फिफ्टीन आया अब एक्स जो आपसे पूछा हुआ है आपसे एक्स पूछा हुआ है तो एक्स कितना है? X A, तो X की वैल्यू विल बी डिग्री ठीक है वेरी सिंपल सी इज द राइट आंसर ओके